आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर है फैक्टर कैलकुलस का। बेसिकली डाइवर्जेंस समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लेट अस अज्यूम कि हमारे पास यू एक्स वाई जेड एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो डिफाइंड है इन अ सर्टेन रीजन। अगर हम मान लें, पहला पॉइंट ये मान लें कि अगर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, जो एक्स वाई जेड है इसके ईच पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, देन हम ये बोलेंगे कि डेल डॉट यू वेक्टर, अच्छा ये वेक्टर फंक्शन लिया है, डेल डॉट यू विल बी डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर। आई होप समझ में आ रहा होगा, यू एक वेक्टर है, उस वेक्टर को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, उस वेक्टर को उसका अगर हम क्या करें, डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें जो मिलता है वो डाइवर्जेंस ऑफ यू मिलता है। हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे जा रहे हैं, इनको कोई फिजिकल इंटरफेक्टर अगर हमें निकालना है, दैट इज बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ यू, तो डेल यू बेटा हो जाएगा आई डेवो बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवो बाई डेवो वाई प्लस के डेवो बाई डेवो जेड एंड यू वेक्टर, दैट्स इट, ये आपका डाइवर्जेंस हो जाएगा। अब एक पॉइंट और हम समझ सकते हैं, पॉइंट ये समझ सकते हैं कि सपोज अगर हमारा यू वेक्टर जो है उसे हम यू वन आई कैप मान लें, यू टू जे कैप मान लें और यू थ्री के कैप मान लें, और यहां से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो डेल यू वेक्टर जो होगा आई डेवर बाय डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाय डेवर वाई प्लस के डेवर बाय डेवर जेड, अगर हम यहां पर रखें यू वन आई कैप, यू टू जे कैप, यू थ्री के कैप, तो देखिए ये जो होगा कि डेवर बाय डेवर एक्स में केवल यू वन ही आएगा, बाकी दोनों तो जीरो हो जाएंगे। इसी तरीके से डेवो बाई डेवो वाई में केवल वाई यू टू ही आएगा और डेवो बाई डेवो जेड में यू थ्री ही आएगा। तो डेल यू जो है वो सिंप्लीफाई करना आसान है, इसका मतलब है जिसके जब अगर हमें क्वेश्चन दे रहा है लिफ्ट एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू दे रखा है एक्स आई एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप, और आपको क्या करना है, उसने कहा कि फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर एट वन टू थ्री। बेहद आसान क्वेश्चन है, अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एस वी नो कि हमें क्या करना है, एस वी नो कि फंक्शन हमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है, अब हमें इस पॉइंट पर इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो पहले देख लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ वेक्टर, और इसका वैल्यू अगर हम रखें डेवर बाई डेवर एक्स डेव जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाय डेवर जेड, वेक्टर फंक्शन पॉइंट फंक्शन दे रखा है एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, सीधे बस हमें कुछ नहीं करना, जिसका आई जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स के साथ में जाएगा एक्स वाई, बस केवल इतना डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पर डेवर बाय डेवर वाई के साथ में वाई जेड जाएगा प्लस डेवर बाई डेवर जेड के साथ में जेड एक्स जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, यहाँ से आएगा वाई, देखिए ध्यान से यहाँ से केवल वाई आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा केवल जेड आएगा और यहाँ से एक्स आएगा, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर आ गया। अब हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर किस पॉइंट पर चाहिए, वन टू थ्री पर चाहिए, तो वन वाई की जगह पर कितना रखेंगे टू, जेड की जगह पर थ्री और इसकी जगह पर वन, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ अगर हम मान लेते हैं ए वेक्टर हूज डाइवर्जेंस वेनिसेस, अगर ये वेनिस कर जाती है देन दैट वेक्टर इज सोलेनोइड, उसे क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। अब देखिए सोलेन करने की कोशिश करता हूं, जैसे क्वेश्चन वाले ने दे दिया आपको, कहा शो दैट वेक्टर
दे रखा है यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री वाई आई कैप प्लस वाई माइनस थ्री जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस टू जेड के कैप इज सोलेनोइड। आपको इसको सोलेनोइड प्रूफ करना है। तो एज वी नो दैट, एज वी नो हम क्या जानते हैं, हमें पता है कि अगर हमें किसी वेक्टर को सोलेनोइड प्रूफ करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए। हमें बेसिकली ये पता है कि हमें उसका डाइवर्जेंस वैल्यू प्रूफ करना है जीरो, यानी डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर हमें क्या प्रूफ करना है, जीरो प्रूफ करना है। डाइवर्जेंस यू वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका हमें क्या करना है, डेल डॉट यू जीरो प्रूफ करना है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे आप, हम अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेल को इस सब वैल्यूज के, डेल को इस यू वेक्टर के साथ में अप्लाई करना होगा। तो डेल डॉट यू वेक्टर अगर हम देखते हैं ध्यान से तो क्या बेटा आंसर आएगा, तो देखते हैं डेल डॉट यू, एज आई टोल्ड यू कि आई वाला ही आने वाला है किसके साथ में, एक्स के साथ में। तो इसका आई का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स प्लस थ्री वाई, एक्स प्लस थ्री वाई यही आएगा, प्लस डेवा बाई डेवा वाई कितना आएगा, वाई माइनस थ्री जेड, प्लस डेवा बाई डेवा जेड कितना आएगा, एक्स माइनस टू जेड। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि x क्यों लिया है, क्योंकि i डॉट आई वन हो जाता है, तो केवल i के साथ में जिनका यूनिट जो वेक्टर है जो मल्टीप्लाई है i कैप, वो केवल x के साथ में जाते हैं, ये अभी मैंने बताया आपको। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका डिफरेंशिएशन तो वन हो जाएगा, इसका जीरो, ये हो जाएगा वन और ये जीरो, और इसका माइनस टू इक्वल्स टू क्या गया, जीरो। हेंस यू वेक्टर इज अ सोलेनोइड से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला आप ऑलरेडी कर पाएंगे, बहुत आसान है, उसमें कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। देखिए, अगर हमें डाइवर्जेंस निकालनी है आर वेक्टर, इसका डाइवर्जेंस निकालना है, सॉल्यूशन को देखते हैं। अगर हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है आर अपॉन आर, अगर हमें ये डाइवर्जेंस निकालनी है तो हमें, मैंने आपसे बोला था, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को देखा हो, कहीं पर भी आर दिखते ही आपको एक आर वेक्टर सा अज्यूम करना है, एक्स आई वाई जेड, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और आर स्क्वायर कंसिडर करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हर क्वेश्चन के पहले आपको निकाल ही लेना है। डेवर आर अपॉन डेवर एक्स जो होगा एक्स बाय आर होगा, डेवर आर अपॉन डेवर वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, वाई बाय आर हो जाएगा, और डेवर आर अपॉन डेवर जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेड बाय आर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टू आर डी आर करके आएगा, उसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ये लिख लिया। अब अगर हमें डाइवर्जेंस चाहिए तो इसका मतलब है डेल डॉट, ये लिखा हुआ है आर वेक्टर अपॉन आर। अब आर तो एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है आर वेक्टर, क्योंकि डेल के साथ में डॉट प्रोडक्ट में कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर हम इस आर वेक्टर को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, तो डेल आर वेक्टर अपॉन आर, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो लिख लेते हैं, बेसिकली इसको क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं आई डेवर बाय डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाय डेवर वाई प्लस के डेवर बाय डेवर जेड, ठीक है। और इसको अगर हम लिखें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर, अच्छा ये जो आर है ये तो सभी के साथ में जाने वाला है, तो आई डॉट आई कब हो जाएगा वन, तो डेवर बाय डेवर एक्स ये हो जाएगा एक्स बाय आर, प्लस डेवर बाय डेवर वाई कितना हो जाएगा वाई बाय आर, प्लस यहाँ पर डेवर बाय डेवर जेड कितना हो जाएगा जेड बाय आर। अब इस पूरे सेगमेंट को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि आर जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली आपका क्या लगने वाला है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो एक बार पहले हम क्या करते हैं, वन अपॉन आर का आर को वैसे ही रखते हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो वन अपॉन आर तो वैसे ही रखा है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा माइनस वन बाय आर स्क्वायर, वो माइनस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ से डेवर आर अपॉन डेवर एक्स, आई होप समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली आप सबको लिख लेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन आर माइनस, अब दिमाग नहीं लगाना आपको, एक बार लिखने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हुए लिखते जाना, डेवर आर अपॉन डेवर वाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डेवर आर अपॉन डेवर जेड। अब क्या करना है, ये थ्री टाइम्स है तो ये वाला वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो ये थ्री बाय आर हो गया माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ गया इनमें से, डेवर आर अपॉन डेवर एक्स का वैल्यू अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स बाय आर, यहाँ से क्या आ जाएगा वाई बाय आर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा,
ये यहाँ से एक्स बाई आर। अच्छा एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्स वाई और जेड भी बचेगा। अब ये जो एक्स वाई जेड है एक्चुअली में ये वाला फंक्शन आपको स्टैटिक रखना था वो था, तो ये एक्स यहाँ से क्या करेंगे तो ये वन अपॉन आर कॉमन हो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 3/r - 1/r² ऊपर जो हुआ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आर हो गया। ऊपर वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये वाला कंडीशन हमें पता है। तो ये क्या हो गया अगर आप देखें ध्यान से, तो 3/r - 1/r = क्या हो जाएगा 2/r। आई होप समझ में आया होगा। ये बेसिक ऑफ ग्रेडियंट खत्म हो गया। अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे। थैंक यू।